घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभाव वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और हमारे जो रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं उन पे लाइक कमेंट शेयर करें और उनसे सीखें संगीत। अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग विषय हमने सिखाया है, अलग अलग गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, कवालियाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप थोड़ा चैनल को सर्फ कीजिए, देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे लाता रहता हूँ और उस पर 5-10 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें मैं आपको समझाता हूँ वो बातें जो शायद हो सकता है क्लास में सीखने की होती हैं, क्लास में समझने की होती हैं, एक्सपीरियंस करने की होती हैं, तजर्बा लेने की होती हैं, वो बातें जो कि शायद किताबों में नहीं मिलती हैं, जो कि शायद सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलती हैं, क्लास में बैठने से मिलती हैं, माहौल से मिलती हैं। तो कई बार क्या होता है, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप नहीं जा पाते कोई क्लास, आप यूट्यूब से ही सीख रहे हैं सिर्फ, तो आपके पास वो माहौल अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर करके आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, माहौल का ही है, कि लोग कहते हैं कि माहौल से संगीत सीखा जाता है। तो कैसे सीखा जाता है और कैसे माहौल हेल्प करता है म्यूज़िक में, वो मैं आपको बताऊँगा। जो वातावरण है, म्यूज़िकल एनवायरनमेंट है, वो कैसे हेल्प करता है। जाहिर सी चीज़ है, इस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर छोटा सा उसका एक शॉर्ट ब्रीफ बता दूँ कि जैसा सब कहते हैं कि भाई माहौल से संगीत आता है, मगर सिर्फ माहौल से संगीत नहीं आता है, माहौल में बैठ के उस संगीत को समझने लायक पहले आपको बनना पड़ता है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझने की है, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े कलाकारों के पास जाके उनको सुनना, उनसे सीखने को तभी मिलता है जब आपको खुद को कुछ आता हो पहले ही, है ना। अगर यहाँ बेस ही नहीं बना है आपके दिमाग में, आपके संगीत का कुछ बेस ही नहीं है, तो आप वहाँ जाके आप सीख कम पाओगे, स्लो प्रोसेस रहेगा, बनिस्बत कि आप पहले सीख के जाओ, थोड़ा बहुत आता है आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज है सुर ताल लय का और चीज़ें समझ लेते हो, फिर सिर्फ परामर्श लेते हो और उन चीज़ों को ग्रेस्प करके समझ लेते हो। आज आप कोई भी वीडियो उठाते हैं कलाकार का और आप सुनते हैं, तो आप अगर उतार सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये ताल ली, ये राग ली और ऐसे गाया, ये चीज़ ऐसे गई, यहाँ से उठी, यहाँ तान खत्म हुई, यहाँ समझे, ये गाने की लाइन की धुन ऐसे थी, ये इसके सुर हैं, तो ये समझने के लिए पहले आपको वो सारा बेस तो तैयार करना ही पड़ेगा, है ना। तो आज मैं लय के ऊपर बात करूंगा इसी चीज़ से रिलेटेड, कि हम लय की जो प्रैक्टिस करते हैं, लय का जो अभ्यास करते हैं, उनमें हम कुछ तालें सीखते हैं और कुछ लयकारियाँ सीखते हैं। यानी तीन ताल अगर हमने सीखी है तो इन जनरल हम तीन ताल की ठा दुगुन चौगुन कर ली और उतने में हम ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा तालों पर भी नहीं जाते हैं हम, तीन ताल काफ़ी है हमारे लिए, कहरवा काफ़ी है और हम ताले नहीं सीखते। पर जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी तालें सिखाते हैं, जितनी हो सके प्रचलित हैं वो सब, और कुछ अप्रचलित हैं, कुछ अल्प प्रचलित हैं, सब सिखाने की कोशिश करते हैं। और उनमें अलग अलग लयकारियाँ जो कि मुश्किल भी हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो प्रचलन में नहीं भी हैं, वो सारी लयकारियाँ भी हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि एक लय का बेस बने, लय की मजबूती बने। अब देखिए, माहौल क्या करता है, जब आप किसी राग को सुनते हैं, कोई ख्याल चल रहा है या कोई गीत चल रहा है या कोई तबला प्ले कर रहा है या कोई कथक कर रहा है और आप वहां बैठे हैं और आपको सुरताल लय समझ आ रहा है और आप गिन रहे हैं, तो क्या होता है, एक छोटी सी फिलॉसफी है लाइफ को लेकर भी होती है सबकी, कि जब तक मुश्किलें नहीं आती हैं लाइफ में तब तक हमें सीखने को नहीं मिलता है। अनटिल अनलेस वो कॉन्ट्राडिक्शन बने, कॉन्ट्राडिक्शन यानी ऑपोजिट जाए, जो आपकी चीज़ है उससे ऑपोजिट। यानी छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप तैरना सीख रहे हैं तो स्टिल वाटर जो है, यानी ठहरा हुआ पानी, उसमें तैरना सीखेंगे तो आसान है, लेकिन बहती धार में तैरना मुश्किल है, और बहती धार के उल्टा तैरना यानी उस धार को चीरते हुए ऑपोजिट साइड तैरना ज़्यादा मुश्किल है। तो यानी जितनी मुश्किलें आती हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और वैसे वैसे हम सीखते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है लय पर भी, जब हम मुश्किल लयकारियों के साथ खेल करते हैं तो हमारी लय में मजबूती आती है। हम सीधी सीधी लय में चलना तो आसान बात है, कहरवा में गाना आप अगर गाते हैं और सीधे सीधे गाने गा रहे हैं, अगर सिंपल गाने गा रहे हैं, तो लय की मजबूती इतनी नहीं आती है जितनी की बनिस्बत, जितनी की जब मुश्किल लयकारियों को गिनना, उनके साथ टिकना, उसमें जो ठाह चलाना, सिंगल की लय चलाने में आती है। धीरे 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 उससे लय में मजबूती आती है, जब आप थोड़ा सा ऑपोजिट जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हैं, तब आसानी आसानी में तो आप लय आराम से निकाल लोगे, है ना। अगर आपको कहरवा का कोई गाना गवाया, मैं भी कहरवा बजा रहा हूँ, तो आप आराम से बीट टू बीट चल लोगे, लेकिन जब ऑफ बीट्स आती हैं, है ना, कुछ चीज़ें वजन बदलते हैं, थोड़े छंद बदलते हैं, तब लय की मजबूती का पता चलता है कि कितनी है, लयकारियाँ बदलती हैं,
तब लयके मजबूती आती है, है ना। तो ये एक चीज है जो आपको सिर्फ माहौल में ही मिलती है संगीत के, क्योंकि वहां न्यू है, क्रिएशन है, क्रिएटिव कुछ पनप रहा है, कुछ उपज रहा है, और उसके साथ जब आप टैप करते हो या क्लैप करते हो या गिनते भी हो तो मुश्किल मुश्किल चीजें होती है। तो मुश्किल चीजों का अभ्यास करना होता है, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर किया आपको कि उस माहौल में बैठने के लिए पहले उस माहौल के लायक बनना पड़ता है, यानी पहले आपको वो सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो तैयार करनी पड़ती हैं, ठाह लगानी पड़ती है, हर ताल के छंद को समझना होता है, हर ताल में अलग अलग लयकारियाँ करनी होती हैं, फिर जाके वो आता है, है ना। किसी को मैं कल परसों ही मैं समझा रहा था कि सीखने का क्या प्रोसेस है। भाई लोग समझते हैं कि हमने संगीत सीखा उसके बाद हम संगीत में काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, इससे कहीं भी प्रोफेसर लग गए या कहीं भी अपने प्रोग्राम करने लग गए। लेकिन तीन स्टेजेस होती हैं। पहले आप लर्न, पहले आप सीखते हो, फर्स्ट यू लर्न, देन यू एक्सपीरियंस, देन यू अर्न, है ना। लर्न, एक्सपीरियंस, अर्न, ये प्रोसेस है। पहले आप सीख लेते हो अच्छे से, जब कुछ चीज़ें सीख गए, फिर एक्सपीरियंस कैसे होता है, आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रहते हो, जैसे मैं मेरे पिता गुरु, मेरे दादा गुरु के साथ हूँ, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनसे मैंने म्यूजिक डायरेक्शन की कला सीखी है कि कैसे गीत बन रहा है, कैसे गीत में और क्रिएशन हो रही है, ग्रुप सॉन्ग तैयार कराना है तो कैसे करना है, सोलो है तो कैसे, फीमेल को गवाना है तो कैसे, फीमेल मेल दोनों को गवाना है तो कैसे, है ना। तबले वाले को क्या बताना है, क्या डायरेक्शंस देने, क्या इंस्ट्रक्शन देने की कैसे बजेगा, इंस्ट्रूमेंट्स अगर ऑर्केस्ट्रा दूसरा चल रहा है तो उसको कैसे डायरेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आती हैं सीखने के बाद, है ना। जब आपने थोड़ा बहुत सुर लय ताल अच्छे से समझ लिया है, कुछ रागें समझ ली हैं, फिर आप ऐसे एक्सपीरियंसेस लेते हो, गीत कहाँ बन रहा है उससे देखते हो, गीत गव रहा है तो कैसे, स्टूडियोज़ में आप वर्क करते हो कि भाई गाना कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, गाना रिकॉर्ड करते समय कैसा जाएगा और लाइव करते समय कैसा गाया जाएगा, पॉइंट्स समझते हो कि गीत को गाने के स्टाइल क्या है, गज़ल गाने के स्टाइल क्या है, ख्याल गाने के स्टाइल क्या है, तो ठुमरी गाने के स्टाइल क्या है, ये आप एक्सपीरियंस लेते हो, देन आप अर्न करते हो। तो ये एक प्रोसेस है, है ना। तो इस चीज़ को भी समझें कि माहौल में अगर बैठना है संगीत के और उसमें से एक्सपीरियंस लेना है तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, सीखो, समझो, देन। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर लय में मजबूती लानी है तो लय की मजबूत लयकारियों को करना होगा, लय में पक्कापन लाना, लय की समझ डेवलप करनी है, लय की बारीकी समझनी है तो उन लयकारियों में जाना होगा, है ना। वरना हम समझते हैं कि इतनी सारी लयकारियाँ क्यों करनी है, इतनी सारी तालें क्यों करनी है, हमें क्या ज़रूरत है, हम एक ताल की भी किसी भी एक ताल की, तीन ताल की उठा ली, वही ज़्यादा यूज़ आती है, तो भाई उसमें ही कर ली हमने ठा दोगुन चौगुन अपने अठगुन तक, तो हो गया ना काम ख़त्म, क्योंकि बाकी तालें तो हमारी यूज़ ही नहीं आ रही, कैरवा में गा रहे हैं हम तो फिल्मी गाने सारे। लेकिन लय की मजबूती, लय की समझ, कि लय की एक मात्रा से दो मात्रा के बीच का अंतराल जो है वो हमेशा कैसे समान रहे, कैसे बढ़ती है लय तो कैसे घटती है, तो कैसे समान रही जाती है, वो बारीकी, वो पकड़ लय की, वो तभी आती है जब मुश्किल लयकारियाँ आपने करी होती हैं, वरना नहीं आती है, लय की समझ ही डेवलप नहीं होती है। और हमेशा कहा है मैंने कि एक गायक के लिए तबला सीखना बहुत आवश्यक है, तो तबले में क्या, तबले का जो लय पक्ष है वो समझना आवश्यक है, क्योंकि गायकी में लयकारी कम होती है बनिस्बत की कथक और तबले में। शास्त्रीय संगीत वाले इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते होंगे, तो अगर आप शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि तबला और कथक के साथ जो संगत है उस माहौल को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो तभी समझ पाओगे जब बेस तैयार है, ठीक है। तो यही कुछ मोटे मोटे तौर पर आपको मैं बताना चाह रहा था कि धार के उल्टा चलना, है ना, जो धारा चल रही है उसके उल्टा चलना तभी मजबूती आती है। तो वही चीज़ है, अगर चाहते हो लय में मजबूती पाना तो लय को अच्छे से समझो, उसके बाद उस माहौल में बैठो, कुछ क्रिएशन को सुनो, शास्त्रीय संगीत सुनो और गिनो, उसके साथ गिनो, आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ जा रही है ताल, कहाँ जा रही है लय, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़, एंड हम कोशिश करते रहते हैं नए पे नया कुछ ना कुछ कंटेंट आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया।